किस उम्र में आपको रियलाइज हुआ कि आप में कुछ कमी है और आप ख्वाजा सरा हैं? 15-16 साल मेरी एज थी जब मैंने रियलाइज किया कि मेरे में कोई कमी है, मैं ख्वाजा सरा हूँ। जब आपने घर छोड़ा तो घर वालों की याद तो आती होगी? बहुत आती है, अपने बहुत मिस करती हूँ। एक अम्मी के बाद में मेरी फैमिली में से बिल्कुल कट ऑफ हो गई। वालदा की डेथ हुई, मुझे पता चला, मैं घर अम्मी के जनाजे पे गई हूँ, मैं अपनी माँ का मुंह देखा, तो मुझे वहाँ से धक्के दे के निकाल दिया गया। जिंदगी में सबसे तल्ख हकीकत है मेरे लिए, जब मैं अपनी माँ को रो भी नहीं सकी थी। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, आज हम अंदरून शहर रेड लाइट एरिया टेक्साली गेट में मौजूद हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं आशी भट्ट साहिबा से, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं। जब हमारे मुआशरे में एक ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है तो घर वाले उसे कबूल करने से इनकार कर देते हैं, मुआशरे के धक्के खाता है, कुछ तो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, कुछ नाच गाने की तरफ आ जाते हैं और कुछ जो है वो जिस्म फरोशी में मशगूल हो जाते हैं। इन तमाम बातों को जानने की कोशिश करेंगे आशी भट्ट साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बताइएगा कि किस उम्र में आपको रियलाइज हुआ कि आप में कुछ कमी है और आप ख्वाजा सरा हैं? 15-16 साल का, अब तो 12 साल का, 10 साल का बच्चा जवान हो जाता, तो मेरा ख्याल मैं 15-16 साल मेरी एज थी जब मैंने रियलाइज किया कि मेरे में कोई कमी है, तो मुझे पता चला कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। जब आपके घर वालों को ये इल्म हुआ कि आप ख्वाजा सिरा हैं, तो क्या उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? नहीं, मेरे घर वाले तो मेरे साथ बड़े अच्छे थे, लेकिन मेरे भाई थे, उनके दोस्त उनको हूट करते थे, वही ताड़े घर खुश रहे, तो जाहिर वो भाई थे, बड़े थे, तो दोस्तों को कुछ नहीं कहते, घर आके मुझे गालियाँ देते थे, मारते थे, तो मेरा तो उसमें कोई कसूर नहीं था। तो एक दिन भाई ने तैश में आके मेरे मुँह पर थप्पड़ मारा, तो मैं घर छोड़ के अपनी कम्यूनिटी में आ गया, अपने गुरु के पास आ गई। ये गुरु क्या होते हैं? गुरु जो होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, मेरा जो गुरु था हमारे घर में, मतलब हमारे घरों में आता था, कोई शादी होती, कोई ब्याह होता था, तो वो आके लोरी गाता था, सेहरा गाता था, तो मुझे उसी का पता था। मैं चल के उसके पास आ गया, पहले तो मुझे उसने कहा नहीं नहीं मैंने तुझे नहीं रखना, तेरी फैमिली ये कर दे, फिर मैंने उसको कहा मेरी फैमिली मुझे खुद घर से निकाला है, तो फिर मैं अपने गुरु के पास आ गई। जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, जिसकी ज़्यादा एज हो जाती, वो हमें गुरु बन जाता है। आजकल आप भी गुरु बन चुकी हैं? जाहिर मैं भी गुरु हूँ अब, तो मेरे भी काफ़ी स्टूडेंट हैं, मेरे चेले हैं काफ़ी, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मेरी बड़ी ऑनर करते हैं। जैसे कि बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख के कमा के अपने पेरेंट्स को देता है, मेरे भी स्टूडेंट मुझे कमा के देते हैं। जब आपने घर छोड़ा तो घर वालों की याद तो आती होगी? बहुत आती है, अपने बहुत मिस करती हूँ। वो एक है ना गाना है, जिंदा रहे तो क्या है, जो मर जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजरे जाए हम तो क्या। एक मेरी वालदा के नाम है, अब कौन मुंतजर है हमारे लिए वहाँ, अब कौन मुंतजर है हमारे लिए वहाँ, शाम हो गई घर लौट के जाए हम तो क्या, दुनिया से खामोशी से गुजरे जाए हम तो क्या। मुझे बताइएगा कि हमारे मुआशरे में जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो भीख मांगते नजर आते हैं, इसकी क्या वजह, वो मेहनत वाले काम क्यों नहीं करते जिससे वो इज्जत की रोटी कमा सकें? उनके फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास हुनर नहीं है, उनके लिए टेक्निकल अदारे होने चाहिए, उनके लिए एजुकेशन अदारे होने चाहते कि वो पढ़े लिखें और काम सीखें। मैंने पहले भी कहा था कि ख्वाजा सा ही है टू ब्रेन, ये और समझ दोनों का काम दे सकते हैं अगर इनको सपोर्ट किया जाए, ये अच्छे शेफ हो सकते हैं, अच्छे पार्लर चला, अच्छे बुटीक चला सकते हैं, लेकिन यहाँ भी इनसे इम्तियाज़ शुरू किया जाता है, किसी भी गवर्नमेंट ने कभी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, हालांकि ये इसी मुल्क का हिस्सा है। मुझे बताइएगा कि ख्वाजा सिरा कब जिस्म फरोशी की तरफ आता है? जब एक और अपने बच्चों के लिए भूखे मजबूर हो जाती है, और ख्वाजा साहब तब इस तरफ आता है जब पेट की आग बुझाने के लिए
उसको कहीं से कोई मांगेगा, कोई 100 रुपया नहीं देगा, कोई 200 नहीं देगा, लेकिन बुराई के लिए उसको 1000 रुपया लोग दे देंगे। ख्वाजा सिराह की जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन लम्हा कौन सा होता है? जब को उसको एहसास होता है कि मैं ख्वाजा सिराह, कोई उसको मिलता नहीं है, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई रिश्तेदार, ना माँ बाप, तो उसको एहसास होता है कि मैं ख्वाजा सिराह हूँ। और ये उसी दिन मर जाता है जिस दिन ये पैदा होता है, क्योंकि इसके सारे रिश्ते कट जाते हैं, ये कट ऑफ हो जाता है अपनी फैमिली से, तो बड़ी मुश्किल घड़ी होती है अपनों से दूर रहना। क्या आपकी वालदा भी आपको मिलती थी या उन्होंने भी दूसरे बहन भाइयों की तरह आपको धुतकार दिया? नहीं, मेरी अम्मी मुझे मिलती थी, मुझे बड़ा प्यार करती थी, हर खुशी गमी में शामिल होती जब मेरी माँ थी, लेकिन अम्मी के बाद मैं मेरी फैमिली में से बिल्कुल कट ऑफ हो गई। मुझे बताइएगा, बाकी जो घर के मेंबर्स होते हैं वो फैमिली फंक्शन होते हैं वहाँ पे जाते हैं, तो जब आपको नहीं जाने दिया जाता तो कैसा महसूस होता है? बड़ा अजीब सा लगता है। फिर मैं अल्लाह से, मैं शिकवा भी नहीं करती, लेकिन मेरे बाबा जी कहते हैं कि तुम खुदा से शिकवा कर सकती हो, तुम्हारा शिकवा बनता है कि अल्लाह ने मुझे अनकम्प्लीट क्यों बनाया है, लेकिन मैं फिर भी खुदा से शिकवा नहीं करती हूँ। मैं उस खुदा से क्यों शिकवा करूँ जिसने मुझे एक मुकम्मल इंसान बनाया है, मुझे जो भी ऐप दिया, मेरा ढका छपा है, मैं लूली नहीं, लंगड़ी नहीं, कहानी नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। कभी आपके दिल में ये ख्याल आया कि सिर्फ मेरे ख्वाजा सिराह होने की वजह से मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा सलूक किया, मुझे घर से निकाल दिए या तंग करते थे, मारते थे? हाँ, ख्याल आया कि मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया, मुझे मिस यूज़ किया गया। और सबसे बड़ा दुख है मुझे, जब मेरी वालदा की डेथ हुई, मुझे पता चला, मैं घर अम्मी के जनाजे पे गई हूँ, मैं अपनी माँ का मुंह देखा है, तो मुझे वहाँ से धक्के दे के निकाल दिया गया कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, हमारे घर में बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग आएंगे, वो तुम्हें देखेंगे तो सोचेंगे तुम्हारा हमारे से क्या रिश्ता है। वो ज़िंदगी में सबसे तल्ख हकीकत है मेरे लिए कि जब मैं अपनी माँ को रो भी नहीं सकी थी, ना मैं अपनी माँ के जनाजे को कंधा दे सकी, उस वक्त मैंने खुदा से गिला किया था कि या अल्लाह तूने मुझे ख्वाजा सा क्यों बनाया। उन लोगों के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनके घर ख्वाजा सरा पैदा होते हैं और वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते? मैं तो ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें, इनको अपने नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा प्यार करें, ताकि ये अपना घर छोड़ने पर मजबूर ना हो, और अपने दूसरे बच्चों से ज़्यादा इनको प्यार, अपने घर पर रहें, खुदा इनको घर से की कोरोना करवाएँ। कोई भी जो भी बंदा बच्चा अपने घर से निकल जाता है, अपने घर से कट जाता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। सागर सदीकी का शेर सुनाती हूँ, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। नाजरीन, ख्वाजा सिरा भी इंसान होते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ इंसान ही समझ सकता है। इन्होंने हमारे माशरे की तल्ख हकीकत बयान की। आप भी अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। डिजिटल रंग को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।